आदमी आदर आभार अभिनंदन नमस्कार प्यारे साथियों प्यारे मित्रों गुरेंद्र ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो खास करके दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी भाइयों के लिए तैयार किया गया है। इस वीडियो में हम एक विशेष विषय पर श्री प्रकाश शुक्ल जो वरिष्ठ कवि एवं मुख्य आधुनिक युग के आलोचक में जिनका नाम है उनकी वक्तव्य को यहाँ पर हम लोग सुनेंगे। ठीक, चलिए समझ लेते हुए हम लोग चालू करते हैं। बेचू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कोचिंग में दिया व्याख्यान। क्या दिया, सुन लेते हैं। चलिए, हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक विफलता के फलस्वरूप विमर्श का आरंभ होता है, क्योंकि साहित्य की आलोचना जब शाश्वत मूलों का शिकार होती है तब उसके भीतर से अस्मिता मूलक ठोस वैकल्पिक मूल्यों की निर्मित की बात शुरू होती है जिसको विमर्श गति प्रदान करते हैं। यह बातें बेचू के हिंदी विभाग के प्रोफेसर श्री विकास शुक्ल ने महाराजा सरकारी स्वायत्त महाविद्यालय कोची के हिंदी विभाग के तत्वाधान में आयोजित समकालीन हिंदी साहित्य में अस्मितामूलक विमर्श विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में कही। बतौर मुख्य वक्ता बोलते हुए प्रोफेसर शुक्ल ने कहा कि अस्मिताएं इतिहास में घटित गलतियों का जवाब होती है जिनका आधार उत्पीड़न की स्मृताएं होती हैं। ये उत्पीड़न की स्मिताएं अस्मिताओं को गति देती है जिनके माध्यम से अन्य की भूमिका की शिनाखत होती है। इन्हीं प्रक्रियाओं में इतिहास नया बनता है जो किसी भी प्रकार के सार्वजनिक मूल्य को नकारता है। विमर्श किसी शाश्वत मूल्य के निषेध की प्रक्रिया में खड़े होते हैं जिनमें जरूरी समकालीन मूल्य उपस्थित होते हैं और गैर जरूरी समांति मूल्य तिरोहित होते हैं। इन्हीं से अस्मिताओं को जरूरी दिशा मिलती है क्योंकि विमर्श वैकल्पिक अस्मिताओं के सजग प्रहरी होते हैं और सामंति व साम्राज्यवादी मनोविज्ञान से सतत टकराते रहते हैं। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर के जय कुमार ने की। इस अवसर पर उप आचार्य डॉक्टर के वी जमाल, डॉक्टर संतोष टी वर्गीस, डॉक्टर जनीश पी ए विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। साथ ही साथ काव्य प्रेमी एवं साहित्य प्रेमी भी उपस्थित थे। वैकल्पिक अस्मिताओं के सजग प्रहरी होते हैं विमर्श। धन्यवाद प्यारे मित्रों।